हेलो एंड वेलकम टू ग्रीन सिटीजन्स। सुबह से लेकर शाम तक हम कितनी ही प्लास्टिक की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, टूथपेस्ट, टूथब्रश, शैम्पू, कोम्ब्स, मिल्क पाउचेस, वाटर बॉटल्स और कई सारी चीज़ें। लेकिन हम प्लास्टिक के बारे में कितना जानते हैं, वो कैसे और क्यों बनाया गया, आइए देखते हैं। 19वीं सदी में अमेरिका में बिलियर्ड गेम्स काफ़ी खेला जाता था, जिसके लिए हाथी दांत से बनी हुई गेंद का इस्तेमाल किया जाता था और हाथी दांत के लिए बहुत से हाथियों की कत्ल होती थी। इससे चिंतित होकर न्यूयॉर्क की एक कंपनी ने हाथी दांत की जगह लेने वाला पदार्थ बनाने के लिए $10,000 का इनाम घोषित किया। जॉन वेस्ली हायट नामक एक इंजीनियर इस घोषणा से प्रेरित हुए। उन्होंने कपास के रेशे को कपूर के साथ प्रोसेस करके पहला सिंथेटिक पॉलीमर बनाया, जो उस वक्त सेल्यूलॉइड के नाम से जाना गया। बाद में उसे प्लास्टिक कहने लगे, मतलब जिसे आसानी से मोड़ा जा सके। धीरे धीरे जहां भी प्राणियों के सिंग और खोल का इस्तेमाल होता था, वहां प्लास्टिक का उपयोग होने लगा। प्लास्टिक की खोज प्राणियों की जान बचाने के लिए की गई थी। कई सालों तक प्लास्टिक कुदरती रेशों से ही बनता रहा और समय के चलते सिंथेटिक प्लास्टिक बनने लगा और एक के बाद एक इंडस्ट्रीज में उसका उपयोग होने लगा। आजकल जो प्लास्टिक हम ज्यादातर इस्तेमाल कर रहे हैं, वो पेट्रोलियम का बाय प्रोडक्ट है। सुविधाएं हम सबको अच्छी लगती है। घर के दरवाजे पर सुबह दूध आ जाता है, सब्जी वाला प्लास्टिक की थैली में सब्जी दे देता है, पार्टी होने पर डिस्पोजेबल प्लेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और सफर के दौरान पानी का बॉटल भी बहुत आसानी से मिल जाता है। लेकिन हमारे घर से निकलने के बाद इन सब चीजों का क्या होता है, ये कभी हम जानने की कोशिश करते हैं? क्योंकि प्लास्टिक एक प्राकृतिक चीज नहीं है, वो आसानी से डीकम्पोज नहीं होती और कोई कोई प्लास्टिक तो कभी भी डीकम्पोज नहीं होता। या तो ये सब प्लास्टिक डंपिंग ग्राउंड में चला जाता है और कुछ सालों के बाद माइक्रोप्लास्टिक्स के रूप में जमीन के अंदर चला जाता है। जब डंपिंग ग्राउंड में कचरा डलता है तो प्लास्टिक जमीन के नीचे दब जाता है और उसके छोटे छोटे कण बन जाते हैं। ये माइक्रोप्लास्टिक जमीन के अंदर के कीड़े और मिट्टी में मिल जाता है, जो कि बाद में पेड़ और पौधों में पहुंच जाता है। ये प्लास्टिक हमारे शहर के किसी नाले में जाकर उसे चोक कर देता है, जिसकी वजह से बारिश में सड़कों पर पानी भर जाता है और बहुत नुकसान होता है। अगर ये प्लास्टिक समंदर में पहुंच गया तो दरियाई जीवों को हानि पहुंचाता है, या तो समंदर का प्रवाह जहां रुकता है वहां प्लास्टिक के बड़े बड़े आइलैंड्स बन जाते हैं। पानी में धूप की वजह से प्लास्टिक पिघलकर माइक्रो और नैनो प्लास्टिक्स में परिवर्तित हो जाता है और ये छोटे कण किनारे पे आके हवा में मिल जाते हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स आजकल पानी, मिट्टी और हवा में भी पाया जाता है। रिपोर्ट्स के अनुसार नमक, सी फूड, बॉटल वाटर और वेजिटेबल्स में भी माइक्रोप्लास्टिक्स पाए जाते हैं। तो आइए प्रतिज्ञा लेते हैं कि आज से कम सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करेंगे। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारा फेसबुक पेज लाइक कीजिए और यूट्यूब पे सब्सक्राइब कीजिए।